हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र। आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है कैसे अपनी बुलेट को शाइन कराएं। वैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं मैं क्लीन कर रहा हूँ अपनी बुलेट, पूरी बुलेट को। वेट क्लीनिंग है, पानी से मैं क्लीन कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं पानी में क्लीन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें शैम्पू होगा, फार्मूला वन का शैम्पू आता है, उसको एक बाल्टी में डाल के बकेट में डालने के बाद उससे क्लीन करूँगा। फिर उसके ऊपर से दोबारा एक बार पानी से क्लीन करूँगा, उससे जो फर्स्ट जो जितनी भी धूल मिट्टी है वो क्लीन हो जाएगी। उसके बाद जो ऐसी धूल है जो चिपक गई है एकदम, वो कपड़े से जगह जगह पे हाथ लगा कर निकालना पड़ेगा। यू नो बुलेट जो है ऑलवेज शाइन करती रहनी चाहिए, अच्छी लगती है ना। और क्लीनिंग के वजह से थोड़ा रस्ट जहाँ लग रहा है, जहाँ अनटच, जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाते, क्लीन नहीं हो पाता, वो सभी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। इसलिए कम से कम दो दो वीक में या 3 वीक में एक बार, कम से कम मंथ में कम से कम 1 से 2 बार कम से कम एक बार वेट क्लीनिंग तो कर देना चाहिए, सो दैट कि इसकी शाइनिंग जो है वो बनी रहे। इसके बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप में थोड़ा सूखने को दे, ठीक है, टाइम दे, थोड़ा सा पानी जितना भी है ड्रेन हो जाए। उसके बाद आता है ऑयलिंग पार्ट, शाइनिंग पार्ट, जो वैक्स लगा के क्लीनिंग करते हैं वो वाला पार्ट आता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर वो आपने नहीं किया तो फिर वो जो वाटर वहाँ पर जुड़ा हुआ रुका हुआ है वो पूरे सब चीज़ों को जाम कर देगा, लाइक क्लच को, एक्सीलेटर को, बाकी जगह पे जैसे चेन को, ये सबको एकदम पकड़ के रख देगा, एकदम एकदम टाइटली, फिर सब कुछ वर्क करेगा। तो वो उसके बाद आपको ऑयलिंग पार्ट जरूर कवर करना होगा। और क्लीनिंग आप देख ही रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए आप, आपको पूरा आइडिया होगा कि मैं कैसे पूरा क्लीनिंग करता हूँ, ठीक है। आज पूरा अच्छे से मैंने इसको टाइम दिया है, ठीक है, अपनी गाड़ी को पूरा अच्छे से टाइम दिया है क्लीनिंग में, ठीक है। यू नो इवन सभी मेंटेन कर सकते हैं, बाहर जाके वो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ जितने में क्लीनिंग होता है बाहर पे लोकली, वो लोग सिर्फ और सिर्फ फवारा मार के छोड़ देते हैं। बाकी जो मेन क्लीनिंग, क्लीनिंग मीन्स सिर्फ ऊपर से शाइनिंग ही नहीं है, अंदर से मेंटेनेंस भी थोड़ा सा इसमें आता है जो करना चाहिए, लाइक इसके जो नट एंड बोल्ट्स हैं वो भी थोड़े से उस पर भी रस्ट लग गए होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा अच्छे से निकालना पड़ता है उन सबको, ठीक है। मैंने आज पूरा ऑयलिंग ऑयलिंग किया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको दिखाऊंगा कैसे है। ये पूरा वॉशिंग के ऊपर है, वॉशिंग और कैसे कैसे मैंने किया है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। थोड़ा ये वीडियो फास्ट चल रही है, ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और थैंक्स अ लॉट कि मेरे 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड आप लोग मेरी वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है, एंड होप कि इन फ्यूचर लैक तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम ना लगे मुझे। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, एंड देखिए आप इसको और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को।